नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। सरकार के खिलाफ एक बार फिर से किसान लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक के आह्वान पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। किसानों द्वारा बुलाए गए इस महापंचायत का उद्देश्य अपने मुद्दों के साथ साथ युवाओं में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाना है। किसान महापंचायत को लेकर तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। जानकारी के मुताबिक एक दिन का यह महापंचायत कार्यक्रम होगा जो कि शांति और अनुशासन के साथ आयोजित किया जाएगा। खबर तो ये भी है कि इस महापंचायत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भी किसानों की ओर से सौंपा जाएगा। किसान मोर्चा की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर सरकार ने इस महापंचायत में किसी भी तरह का व्यवधान डालने की कोशिश की तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगी। इस महापंचायत के जरिए किसान कई मांग उठा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा MSP का है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की भी गिरफ्तारी की मांग की जा सकती है। किसानों की ओर से बिजली बिल 2022 को रद्द किए जाने की भी मांग की जा सकती है। वहीं गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना भी एक अहम मांग हो सकती है किसानों की ओर से। इसके साथ ही अग्निपथ योजना भी इस बैठक में काफ़ी अहम मुद्दा रहने वाला है। वहीं किसानों के संगठन द्वारा बुलाई गई महापंचायत के मद्देनज़र सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमाओं पर सोमवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि राजधानी में प्रवेश कर रहे सभी वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है और पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया कि हमने पर्याप्त बंदोबस्त किए हैं ताकि कानून एवं व्यवस्था बनी रहे और जान और माल को कोई नुकसान न पहुंचे। पुलिस ने बताया कि जंतर मंतर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा चुकी है और अतिरिक्त अवरोधक लगाए गए हैं। वहां प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हर व्यक्ति की व्यापक तलाशी ली जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने ये भी बताया है कि दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात बाधित हो सकता है क्योंकि पुलिस ने सीमा चौकियों पर अवरोधक लगाए हैं। पुलिस ने ट्वीट कर वाहन चालकों से किसानों की महापंचायत के कारण टोलटोय मार्ग, संसद मार्ग, जनपथ रोड, अशोक रोड, कनॉट प्लेस के बाहरी सर्किल, बाबा खड़क सिंह मार्ग और पंडित पंत मार्ग से यात्रा करने से बचने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठन महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं और वे बाहरी जिले से होकर गुजरेंगे जिसमें गाजियाबाद से गाजीपुर बॉर्डर भी आता है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में टिकरी बॉर्डर प्रमुख मार्गों, रेल की पटरियों और मेट्रो स्टेशनों पर स्थानीय पुलिस और बाहरी बल की पर्याप्त तैनाती की गई है ताकि किसी अप्रिय घटना से इसे बचा जा सके। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बेरोजगारी को लेकर एक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत को रविवार को गाजीपुर बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और उन्हें बेरोजगार युवकों से मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये था आज का न्यूज रूम कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।